मेवाड़ में माया ने गेरा महंत का डेरा, धर्म से तोड़ा रिश्ता, धन से जोड़ा नाता, सबसे बड़े आश्रम की पूंजी से कारोबार। देखिए एक कलयुगी महंत का व्यापार। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हो सकता है आप में से कई सनातनियों को यह खबर बुरी लगे, लेकिन यह खबर किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की नहीं, बल्कि धर्म का चोला पहने एक ऐसे महंत की है जो अब अपने सुख के पूर्ति के लिए अवैध और गैरकानूनी रूप से एक आलीशान रिजॉर्ट और स्पा शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए वे मंदिर में चढ़ावे से होने वाली धर्मार्थ आय का उपयोग कर रहे हैं। ये हैं मेवाड़ महामंडलेश्वर वैकुंठवासी महंत मुरली मनोहर शरण के उत्तराधिकारी महंत रास बिहारी शरण। आश्चर्य की बात तो यह है कि मेवाड़ की गादी का प्रभुत्व इतना है कि बड़े अफसर भी बोने नजर आ रहे हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अस्थल मंदिर में महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री ने रास बिहारी गौड़ को बाल्यावस्था में ही अपना वारिस घोषित करते हुए मेवाड़ महामंडलेश्वर की गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया था, लेकिन शायद उन्हें यह अंदेशा नहीं रहा होगा कि उनका दत्तक युवावस्था में आते ही सांसारिक मोह माया में पड़ जाएगा और माया के लोभ में निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा को ही कलंकित कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं रिजोर्ट का रास माया की शरण। यह है सूरज पोल भीतर अस्थल मंदिर। इसकी प्रसिद्धि इतनी है कि दूर दराज से रोजाना सैकड़ों भक्त जन प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। जन्माष्टमी, देवजुलनी एकादशी सहित पूनम और ग्यारस आदि तिथियां पूरे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न होती है। यहाँ गद्दी पर आसीन है रास बिहारी शरण गौड़, जिन्हें मेवाड़ महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त है। महंत जी का चरण वंदन करके ही भक्त यहाँ से रुखसत होते हैं, लेकिन अब आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह महंत जी की असलियत को न सिर्फ उजागर कर देगा बल्कि आपकी आंखों पर छाया हुआ पर्दा भी उठा देगा। आपकी स्क्रीन पर एक रजिस्ट्री हम दिखा रहे हैं जिसमें गिरवा तहसील की देबारी की रहने वाली सूरज कुंवर ने अपनी पहाड़ी जमीन को सूरज पोल स्थल मंदिर के रास बिहारी शरण को बेची है। आपको जानकारी दे दें कि यह पूरा इलाका पूर्णतया कृषि भूमि का है, लेकिन मावली तहसील के मारुवास में अब इस जगह पर एक रिजोर्ट एंड स्पा बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से जारी लाइसेंस सेवेलो इंडियन रिजोर्ट्स एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी के मालिक स्थल मंदिर निवासी रास बिहारी शरण गौड़ हैं, लेकिन यहां पर चल रहे निर्माण की कोई भी स्वीकृति नहीं ली गई है। आज भी यह जमीन कृषि भूमि के नाम से ही दर्ज है। न तो भूमि का रूपांतरण किया गया, न ही निर्माण की स्वीकृति ली गई। वर्तमान में इस पहाड़ी नुमा भूमि को जेसीबी और ब्लास्टिंग की मदद से समतल किया जा रहा है और करीब 50,000 स्क्वायर फीट जमीन पर तो 2 मंजिला निर्माण भी हो गया है। सरकारी नुमाइंदों को इसकी भनक नहीं लगी हो यह तो संभव ही नहीं है, लेकिन वह भी सिर्फ अनदेखी करके अपने काम की इतिश्री के लिए दस्तावेज आगे चला रहे हैं। चलिए तहसीलदार के नाम लिखा पटवारी का एक पत्र भी आपको दिखा देते हैं जो साफ करता है कि महंत रास बिहारी शरण अवैध रूप से कृषि भूमि पर निर्माण करवा रहे हैं। मारुवास हल्के में आने वाले नौवा में यह निर्माण चल रहा है और मौका पर्चा की रिपोर्ट तैयार करके पटवारी ने तहसीलदार को जवाब भी पेश कर दिया। इस पूरे मामले पर जब हमने पटवारी से बात की तो उन्होंने कबूल भी किया कि महंत जी को निर्माण बंद करने के लिए बोला भी था, लेकिन निर्माण जारी है। इसकी शिकायत तहसीलदार जी को कर दी है। सर, एक मारुवास क्षेत्र के अंदर एक रास बिहारी जी जो है महंत साहब है वो एक निर्माण कार्य करा रहे हैं। हाँ सर, उनको सर मैंने फोन बंद करने के लिए बोला भी था पर तो चल ही रहा है उसका। मैं आज वापस रिपोर्ट कर दूंगा जाकर। नहीं तो उसमें आपसे एक विषय में जानकारी चाहिए थी कि वो कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करा रहे हैं और इस समय आपने भी एक पेपर पे सिग्नेचर भी करे थे कि भाई हाँ इस बात को आपने एक्सेप्ट करा। हाँ सर करवा रहे वो सर मैं तहसील में बता दिया था सर रिपोर्ट। नहीं आपने तहसीलदार साहब को सूचित करा था इस विषय में? हाँ सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था मारुवास के पटवारी का।
इतनी बड़ी कृषि भूमि के करीब 50,000 स्क्वायर फीट के भूभाग पर दो मंजिला इमारतें खड़ी हो गई और अब तक कोई कार्रवाई न होना महंत रास बिहारी शरण के रसूख को दर्शाता है। इस पूरे मसले पर जब हमने मावली तहसीलदार पर्वत सिंह जी से बात की तो उन्होंने पहले तो मामले से अनभिज्ञता जाहिर की, लेकिन जब हमने पटवारी की मौका पर्चा रिपोर्ट उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी तो उन्होंने कबूल किया कि शायद लिखित या 181 पर शिकायत आई थी। उस पर उन्होंने तुरंत पटवारी को भेजा और मौके पर निर्माण होते पाया गया तो पाबंद कर दिया, लेकिन अगर अब भी निर्माण चल रहा है तो तुरंत पाबंद किया जाएगा। महंत जी का एक निर्माण कार्य चल रहा है मारुवास के अंदर, तो उस विषय पर क्या कहेंगे सर? और एग्रीकल्चर लैंड है वो और फिर भी निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ। ये कोई शिकायत आई थी शायद लिखित परिवाद आया या 181 पे आया, फिर मैंने पटवारी साहब को भेजा था मौके पे, पटवारी साहब मौका पत्र बनाया और मौके पर से वापस भेजा था और उसमें लिखा था कि हमने उस व्यक्ति को पाबंद कर दिया कि आप बिना कन्वर्जन यहाँ निर्माण नहीं करें। और पाबंद करने के बावजूद भी अगर वो निर्माण करता है तो मैं कल ही पटवारी साहब को मौके पे भेजूंगा और एक सेक्शन है 177, अगर वो रूपांतर की फाइल नहीं लगाएगा तो हम सेक्शन 177 के तहत कार्रवाई करके फिर वो कल ही भेज दूंगा। आज उन पहले पाबंद कर दिया और पाबंद करने के बाद भी अगर वो कर रहा है तो ये बिल्कुल नियमों का उल्लंघन कर रहा है और कल ही या आज ही मैं पटवारी साहब को मौके भेज के और उस पर नियम अनुसार कार्रवाई करूंगा। ठीक है सर, एक विषय और जानना था कि महंत हैं वे और वहाँ पर एक रिसोर्ट और स्पा बना रहे हैं। श्रीमान इस बारे में तो क्या कहें, अगर जमीन उनकी खुद की है, खातेदारी है जी। और अगर बिना कन्वर्ट बना रहे हैं तो गलत है, कन्वर्ट करके बना रहे हैं तो नियम के अनुसार अपन कुछ नहीं कह सकते। नहीं नहीं, नियमों के अनुसार नहीं, और बिना कन्वर्ट के भी नहीं है और उसके बाद वहाँ पर पहाड़ों की भी बेताशा कटिंग हो रही है। बिना कन्वर्ट बना रहे हैं तो नियमों के अनुसार गलत है, बिना कन्वर्ट नहीं बना सकते। और पहली बात है आगामी तीन दिन के अंदर उस पर कार्रवाई के लिए आश्वस्त कर सकते हैं चैनल। तीन दिन की जरूरत ही नहीं है, मैं कल ही कार्रवाई करा के भिजवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तहसीलदार पर्वत सिंह ने भी इस निर्माण को अवैध माना और जल्द ही फिर से पाबंद करने की बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में तहसीलदार साहब निर्माण रुकवाने में सक्षम रहेंगे या फिर उनका यह दावा भी हवा हवाई ही निकलेगा। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस पूरे अवैध रिजॉर्ट्स और स्पा के सूत्रधार महंत रास बिहारी शरण से, जिन्होंने तीन दिन बाद हमें सिर्फ 49 सेकंड का समय दिया और उसमें भी हमारे माइक आईडी को हटाने का प्रयास किया। वहीं हमारे सारे ही सवालों के जवाब ने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने कबूल किया कि स्पा की वजह रही होगी इसलिए कर दिया था। सर फिर आज खबर चलूंगा मैं, खबर चलूंगा आज मैं। ये खबर तो मेरे को चार पांच प्रश्न पूछने, उसका जवाब तो दो। जवाब नहीं दे सकता, जवाब नहीं दे सकता। सर आपने उसकी एग्रीकल्चर की परमिशन ली के नहीं ली, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं दे सकते। और महंत को इस्पा खोलने का जरूरत पड़ी, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। आपने तो परमिशन ली होटल और इस्पा की परमिशन ली आपने, मैं पेपर बताऊं आपको? पेपर लेने से कुछ नहीं होता, वहाँ पे चल रहा है क्या? वहाँ 4 करोड़ रुपए से ऊपर का काम हो चुका है। आपने देखा है क्या वहाँ चल रहा है क्या? क्या देख के आया ना मैं, देख के आया क्या बन रहा है बता। होटल बन रहा है आपके कहने से? बन रहा है वहाँ पे होटल, तो क्या बन रहा है आप बताओ ना फिर। मैं क्या बताऊँ आपको, ये लाइसेंस देखो ना सर, आपके नाम से लाइसेंस इश्यू है। सेवलन ईडन रिसोर्ट एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर महंत रास बिहारी जी शरण स्थल मंदिर सूरजपुर उदयपुर। अब इसका क्या जवाब है आपके पास बताओ? तो इसका जवाब ये है कि मैं चल ही नहीं रहा सर कुछ। तो आप नाम से आपने स्पा का वो रजिस्ट्रेशन कराया तो उसकी वजह तो बताओ सर। उसकी वजह रही होगी, ऐसे कुछ है वजह? आपने ऐसे कर दिया था लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं चल रहा। अरे सर तो चैनल के माध्यम से बताओ ना आप मेरे को, टीवी के माध्यम से बताओ ना, लोग जानना चाह रहे हैं, लोगों के प्रश्न हैं ये। मैं नहीं दे सकता सर, इसमें बाइट आपको देनी पड़ेगी सर। क्या है सर बाइट आपको देनी पड़ेगी? मैं क्या बाइट दूँ इस बारे में सर? वहाँ पर ये स्पा सेंटर खोला है आपने, इसकी वजह क्या है?
ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आपके नाम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सर? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं पड़ी। सर आपके नाम का रजिस्ट्रेशन है स्वेलन ईडन स्पा और रिसोर्ट सेंटर के नाम से? तो इस बारे में मुझे जानकारी है ही नहीं भाई साहब। आपके नाम से रजिस्ट्रेशन है, आपके आधार नंबर आ रहे हैं, आपके पैन नंबर आ रहे हैं, आपने वहाँ जमीन खरीदी है 4 करोड़ रुपए से ऊपर का काम हो चुका है, पहाड़ों की बेतहाशा कटिंग हो रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, इसमें बाइट तो आपको देनी पड़ेगी सर। सर बाइट आपको देनी पड़ेगी। मैं क्या बाइट दूँ सर? वहाँ पर ये स्पा सेंटर खोला है आपने, इसकी वजह क्या है? आपके नाम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सर? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सर आपके नाम का रजिस्ट्रेशन है स्वेलन ईडन स्पा और रिसोर्ट सेंटर के नाम से? तो इस बारे में मुझे जानकारी है ही नहीं भाई साहब। आपके नाम से रजिस्ट्रेशन है, आपके आधार नंबर आ रहे हैं, आपके पैन नंबर आ रहे हैं, आपने वहाँ जमीन खरीदी है 4 करोड़ रुपए से ऊपर का काम हो चुका है, पहाड़ों की बेतहाशा कटिंग हो रही है। ऐसा कुछ है नहीं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है। निम्बाद संप्रदाय की स्थल पीठ के पूर्व पीठाधीश गोलोकवासी महंत मुरली मनोहर चरण शास्त्री ने अपने जीते जी समस्त संपत्ति जनहित में धर्मार्थ और शिक्षा के निमित्त ट्रस्ट कर दी थी, जिसका संरक्षक देवस्थान विभाग राजस्थान एवं रजिस्ट्रार सोसाइटीज है। महंत रास बिहारी चरण इस अरबों रुपए की संपत्ति के मात्र ट्रस्टी हैं। उनका कोई दूसरा व्यापार भी नहीं है जिससे वे अन्य स्रोत से आय का दावा कर सकें। एक है स्वामी प्रयागदास ट्रस्ट, दूसरी है कल्याण राय ट्रस्ट और तीसरी है निम्बार्क सोसाइटी। साफ है करोड़ों रुपए की धर्मादा की आय में गबन घोटाले के आरोप निराधार नहीं है। क्या मेवाड़ के हिंदू मतावलंबी स्थल मंदिर के महंत को देसी विदेशी पर्यटकों की रंगरेलियों के लिए रिजॉर्ट और स्पा बनाने की इजाजत देंगे? क्या स्थल मंदिर के ट्रस्ट अथवा सोसाइटी को कंपनी बना दिया गया है? क्या इनसे रिजॉर्ट बनाने की स्वीकृति ली गई है? क्या देवस्थान विभाग इस सारे मामले की जांच करके रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा? यह सवाल मेवाड़ के हर हिंदू को करने चाहिए ताकि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पर डाका न डाल सके। महाराज ने एक पहाड़ काटने की पहाड़ कहाँ काटा? किसे बनाया ये? पहाड़ थोड़े काटे गए, ये जो बनाया ये किसे बनाया? पहाड़ पे ही बनाया ना क्या? सारी परमिशन है महाराज के पास? सब है ना। क्या बन रहा है यहाँ? क्या बन रहा? वो तो मोबाइल में सब में है ना। रिसोर्ट बन रहा महाराज? महाराज के रिसोर्ट का क्या काम?